तो आज हम बात करेंगे टीबी टेस्ट के बारे में, यानी कि टीबी टेस्ट क्या होता है, उसका टेस्ट कोड क्या है, उसका प्राइस क्या है, उसका रिपोर्टिंग शेड्यूल क्या है और उसमें क्या क्या सैंपल आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, टीबी जो कि हमारे इंडिया में काफ़ी पुरानी बीमारी है, जिसको कि ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, इसका जो टेस्ट का नाम है वो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और इसमें हम देखेंगे टीबी पीसीआर जो टेस्ट है वो कैसे करते हैं, उसका टेस्ट कोड, टेस्ट प्राइस और उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे, सैंपल कब देना चाहिए, क्या क्या सैंपल आप दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार, आप देख रहे हैं हमारा पैथलैब चैनल। आप लोग नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर सकते हैं और शेयर करें। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे जो है ब्लड टेस्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं। कोई आपके काम की वीडियो हो, आप कोई भी टेस्ट के बारे में सर्च कर सकते हैं। इस पर काफ़ी सारे टेस्टों के बारे में हमने पूरा जो वीडियो डाला हुआ है और उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आज के टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी पीसीआर एक टेस्ट है वो बोलते हैं। टीबी पीसीआर इसमें जो देखा जाता है, डिजीज़ जो है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, यानी कि टीबी किसी को हो जाती है तो उसके लिए ये कराया जाता है। तो इसमें बात करते हैं इसके टेस्ट कोड के बारे में। इसका जो डॉक्टर लाल पैथलैब का टेस्ट कोड है वो है N001। अब इसकी पूरी डिटेल हम एक बार चेक करेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया N001 इसका टेस्ट कोड है। ये जो टेस्ट है ये आप काफ़ी सारे स्पेसिमन यानी कि काफ़ी सारे सैंपल्स इसमें ले सकते हैं। आप इसमें डॉक्टर एडवाइज़ आपको करता है, उस हिसाब से आप सैंपल इसका दे सकते हैं और ये टेस्ट करा सकते हैं। तो इसमें सैंपल क्या क्या लेने हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें आता है स्पूटम सैंपल, यानी कि फर्स्ट मॉर्निंग स्पूटम जो बलगम का सैंपल है उससे आप करा सकते हैं, जो कि आपको सुबह फास्टिंग में यानी कि फर्स्ट मॉर्निंग उठते ही जब भी आप बिस्तर छोड़ते हैं बिना पानी वगैरह पिए, और आपको जो है स्पूटम का सैंपल देना है जो स्टरलाइज कंटेनर होता है उसमें, तो उससे ये आप टेस्ट करा सकते हैं। उसके बाद इसमें जो सैंपल आते हैं बॉडी फ्लूड दे सकते हैं, CSF का, CSF जो है फ्लूड होते हैं वो दे सकते हैं। और इसके बाद आप मॉर्निंग का जो यूरिन है, यूरिन से आप इसमें टीबी पीसीआर टेस्ट करा सकते हैं। कोई भी आपका फ्रेश टिश्यू है, कोई बायोप्सी आपके डॉक्टर ने की है, उससे डॉक्टर आपको टीबी पीसीआर एडवाइज़ कर सकता है। और जो टिश्यू के ब्लॉक्स हैं उससे भी आप टीबी पीसीआर करा सकते हैं। बोन मैरो आपका हुआ है उसमें EDTA ट्यूब जो है सैंपल लिया गया है उससे भी आप जो है टीबी पीसीआर करा सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन ब्लड से भी फीमेल्स में प्रॉब्लम है कुछ हार्मोन्स की, तो उससे भी आप टीबी पीसीआर करा सकते हैं। तो ये सारे जो हैं इसके सैंपल्स हैं कि इन सैंपल्स से आप जो है टीबी पीसीआर टेस्ट करा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके रूम टेम्परेचर पे इसको आप नहीं रख सकते, रेफ्रिजरेटर पे आप 72 आवर्स रख सकते हैं, फ्रीज नहीं कर सकते इसको। जो मेथड है इसका है रियल टाइम पीसीआर, इस मेथड से ये जो है टेस्ट लगाया जाता है। इसका जो प्राइस है वो 2000 रुपये जो ये लाल पैथलैब का प्राइस है। रिपोर्टिंग देखिए, सैंपल डेली 11 AM, ये डिपार्टमेंट NRL रोहिणी का टाइमिंग है। इससे पहले पहले आपका सैंपल वहाँ पे डिपार्टमेंट में पहुँच जाता है तो आपका जो है टेस्ट लग जाएगा, रिपोर्ट नेक्स्ट डे इफ़ नेगेटिव। देखिए, अगर आपकी रिपोर्ट जो है नेगेटिव हुई तो वो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी, और अगर रिपोर्ट्स अगर पॉजिटिव आती है तो उसको 4 डेज उसमें टाइमिंग लगेगा, उसको जो है 4 दिन उसकी रिपोर्ट को रिलीज़ होने में लगेंगे। यूजेस इसके आप पढ़ सकते हैं। देखिए, रिपोर्टिंग टाइम बहुत इसमें इम्पोर्टेंट दिया हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है कि सैंपल डेली बाय 11 AM, यानी कि अगर आप कहीं दूर से सैंपल देते हैं तो एक दिन पहले आपको सैंपल सबमिट कराना होगा ताकि वो नेक्स्ट डे 11 बजे से पहले डिपार्टमेंट में पहुंच जाए और आपका जो सैंपल है वो प्रोसेस हो जाए। और रिपोर्ट अगर नेगेटिव है तो सेम डे इवनिंग तक रिपोर्ट हो जाएगी, अगर पॉजिटिव आता है तो उसमें 4 दिन लग जाएंगे।
डॉक्टर कौन एडवाइज करते हैं, फिजिशियन जो चेस्ट फिजिशियन है वो है, डिजीज इसमें ट्यूबरक्लोसिस है, कंपोनेंट इसके पढ़ सकते हैं एमटीबी कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव, इसको देखने के लिए होम कलेक्शन अवेलेबल है, होम कलेक्शन में आप ये टेस्ट करा सकते हैं, और डिपार्टमेंट मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक इसका डिपार्टमेंट है, और प्री टेस्ट इन्फॉर्मेशन में इसमें दिया हुआ है सबमिट स्पूटम एंड यूरिन फास्ट मॉर्निंग सैंपल। देखिए ये क्या है कि इसमें बाकी सैंपलों के लिए कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप स्पूटम से और मॉर्निंग यूरिन से सैंपल से टेस्ट कराते हैं तो उसके लिए आपको फर्स्ट मॉर्निंग जो है सैंपल जो है सबमिट कराने होंगे, तभी ये टेस्ट आपका जो है हो पाएगा और इसमें रिजल्ट जो है बेटर आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, हमने बात किया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस PCR के बारे में, और आपका कोई कमेंट है कोई मैसेज है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।